नमस्कार, मैं रविश कुमार। मानहानि किसकी होती है, कैसे होती है और कितने की होती है, यह सब किस तराजू पर तोला जाता है, अब जान लेने में ही हम सबकी भलाई है। वित्त मंत्री जेटली की मानहानि 10 करोड़ की हुई है या 20 करोड़ की, इसका फैसला तराजू पर तौल कर होगा या हैसियत का भी कोई बैरोमीटर होता है, थर्मामीटर होता है, उससे होगा। सामान्य नागरिक की मानहानि की रकम कैसे तय होगी, हम सबको जानना चाहिए। और अपनी प्रतिष्ठा किसी धर्म कांटे पर तोलवाकर जहां ट्रक वाले सामान तोलते हैं वहां तोलवाकर रखनी चाहिए, ताकि हम तुरंत दावा कर सकें कि कितने की मानहानि हुई है। एक मानहानि का सेंसेक्स भी हो सकता है अगर कोई काम ना हो देश में तो। जैसे हर बात में कोई काम ना हो तो मोबाइल ऐप बना देते हैं आजकल, वैसे ही सोचिए कि गुलजार वानी की कितनी मानहानि हुई होगी, जिसे 16 साल आतंक के आरोप में जेल में रहना पड़ा। गुलजार सभी आरोपों से बरी हो गए। 28 साल की उम्र रही होगी जब गुलजार को गिरफ्तार किया गया और अब 44-45 साल के हो ही गए होंगे। अदालतों को ऐसे मामलों में मानहानि और धनहानि का भी हिसाब करना चाहिए। 16 साल तक एक नौजवान के जेल में बंद होने से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ी होगी, इसका हिसाब कर लेते तो अच्छा रहता। गिरफ्तारी के वक्त गुलजार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे, इस लिहाज से संभावना थी कि वो एक शिक्षक बन सकते थे। अभी अदालतों को ऐसा फैसला सुनाने की कोशिश करनी चाहिए कि गुलजार जैसे युवकों को आतंक के फर्जी आरोप में फंसाया गया, इनका जीवन बर्बाद हुआ, इसलिए 16 साल तक एक असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर की जो सैलरी होती है उसके बराबर की रकम हरजाने के तौर पर दी जा सकती है। गुलजार ही नहीं, न जाने कितने रमेश, सुरेश, विमला, सरला होंगी जो इस तरह के अदालतों में ट्रायल वगैरह के और जांच वगैरह के नाम पर जेलों में उनकी जिंदगी सड़ जाती होगी। सिस्टम जब किसी की मानहानि करता है तो क्या होता है मालूम नहीं। मानहानि का केस करना और लंबे समय तक मुकदमा लड़ना सबके बस की बात नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015 में आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस किया। ये मई 2017 है और केस चल ही रहा है। अभी पहले वाला सुलझा नहीं कि वित्त मंत्री ने एक और 10 करोड़ की मानहानि का दावा कर दिया है। जेटली ने जब यह मानहानि का मुकदमा किया था तब अकेले नहीं गए थे, उनके साथ कई मंत्री पटियाला कोर्ट गए। एक तरह से मानहानि के मुकदमे की यह सबसे शक्तिशाली तस्वीर थी, जिसमें आपको अलग अलग फ्रेम में वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, राज्यवर्धन राठौर, सांसद विजय गोयल, महेश गिरी, अमन सिन्हा, वीके मल्होत्रा, विजेंद्र गुप्ता और उस समय के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जैसे कई नेता दिखेंगे आपको, जिनके नाम छूट गए हैं उनसे मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूं, कोई दुर्भावना से नाम नहीं छूटा। लेकिन जो मुकदमा दायर करने गए ये लोग अदालत, उस रोज वित्त मंत्री ने आम आदमी पार्टी के इतने सारे नेताओं के खिलाफ मुकदमा किया। वैसे वित्त मंत्री के खिलाफ सबसे पहले तो उनकी ही पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद ने तरह तरह के आरोप लगाए, मगर उनका नाम मानहानि के इस मुकदमे में नहीं आया। कीर्ति आजाद ने ट्वीट कर जनता से शिकायत भी की कि उनका नाम क्यों हटा दिया गया। वैसे कीर्ति आजाद के खिलाफ गौतम दत्ता ने मानहानि का केस किया हुआ है। बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस किया। इस मामले में केजरीवाल को 2 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। इंटरनेट के आर्काइव में केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के 10 मुकदमों का उल्लेख मिलता है। आम आदमी पार्टी ने भी एक न्यूज चैनल और वेबसाइट के खिलाफ मानहानि किया। सितंबर 2016 में संजय सिंह और दुर्गेश पाठक ने अपने विधायक देवेंद्र सहरावत के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। इस साल इसी महीने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपनी ही पार्टी के निलंबित विधायक के कपिल मिश्रा, जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके खिलाफ भी मानहानि कर दिया। हमने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मानहानि के मुकदमों की कुछ सूची बनाई है। 2017 में मतलब इसी साल छगन भुजबल ने सामाजिक कार्यकर्ता है अंजलि दमानिया, उनके खिलाफ मानहानि किया। 2015 में सुशील मोदी की पत्नी ने तब के स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के मानहानि के खिलाफ का केस कर दिया था, ऐसा जिक्र मिला। 2017 में तेज प्रताप यादव ने सुशील मोदी पर मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी है। 2017 में शिवसेना सांसद गायकवाड़ ने भी एयर इंडिया के खिलाफ मानहानि की धमकी दी है। 2015 में राहुल गांधी के खिलाफ भी मानहानि का केस हो गया, उन्होंने कहा था कि संघ ने गांधी की हत्या की थी, करवाई थी। राहुल गांधी के खिलाफ असम के बारपेट कोर्ट में भी मानहानि का मुकदमा चल रहा है। 2017 में ही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। 2014 में जब कांग्रेस में थे अवतार सिंह भडाना, इन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। चेतन भगत के खिलाफ भी मानहानि का केस हो गया था और डुमरावगंज कोठी जो भी होंगे, कर्नाटक के कांग्रेसी मंत्री रोशन बेग ने बीजेपी के नेता हैं उनके खिलाफ मानहानि का केस किया। तो केरल के मुख्यमंत्री ने भी सोलर स्कैम की मुख्य आरोपी और 4 पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का केस किया है। स्मृति ईरानी ने संजय निरुपम के खिलाफ, अजीत जोगी ने बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मानहानि,
राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ मानहानी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने वित्त मंत्री जेटली के खिलाफ मानहानी का केस किया हुआ है। जयललिता जब मुख्यमंत्री थी तो पत्रकार, नौकरशाह, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ 200 से ज्यादा मानहानि के मुकदमे किए थे। हमने ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट से उठाई है, इसलिए नहीं बता सकते कि किस केस की अंतिम स्थिति है या मौजूदा स्थिति है या किसी ने वापस ले लिए हैं। अब तो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए नाना प्रकार के विरोधियों के खिलाफ अफवाहों का अभियान चलाया जाता है, उनका मान मर्दन होता है, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो बदनाम करना, मानहानि करना एक राजनीतिक रणनीति भी है। इस काम को ट्रोल अंजाम देते हैं और अब कई खुलासों से यह पता चलता है कि ट्रोल को पैसा भी मिलता है। तो अगर आप फ्री में कर रहे हैं तो पैसा ले लीजिए। altnews.in पर ऐसे कई खुलासे मिलेंगे आपको। ये वेबसाइट है कि किस तरह से राजनीतिक निष्ठा और संगठन के आर्थिक समर्थन के दम पर कई वेबसाइट बनाए गए हैं जो खबरों के साथ साथ किसी को बदनाम करने के लिए आलतू फालतू अफवाह फैलाते रहते हैं। व्हाट्सएप की दुनिया तो इसके लिए बदनाम है ही। आपको नहीं पता होगा मगर राजनीतिक दलों के लोग व्हाट्सएप के जरिए तरह तरह की बातें फैला रहे हैं जिन्हें आप सत्य मान लेते हैं और कई बार भीड़ बन जाते हैं और कई बार जान भी लेने चले जाते हैं कई जगहों पर। इसलिए मानहानि का केस करना अगर एक तरीका है तो मानहानि करने के लिए भी कई तरीके हैं आपके समाज में। मुख्यधारा की मीडिया भी यह काम जोर शोर से कर रहा है सरकारों को खुश करने के लिए। मानहानि का मुकदमा दो प्रकार का होता है, फौजदारी, दीवानी। मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ जो है वो संवैधानिक है। तब राहुल गांधी, सुब्रमण्यम स्वामी, अरविंद केजरीवाल अलग अलग याचिका लेकर गए थे कि इसकी संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए। हम आज के कार्यक्रम में समझने का प्रयास करेंगे कि मानहानि का केस फालतू का मुकदमा है या ऐसे कानून ना हो तो कोई किसी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा सकता है, कुछ भी उसकी मानहानि कर सकता है। यह प्रवृत्ति कैसे रुकेगी? क्या मानहानि के केस या कानून से रुक जाएगी? क्या मानहानि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश है? आप किसी को इसके जरिए डरा सकते हैं? दो तरह की मानहानियां क्यों हैं? तीन तरह की क्यों नहीं है? क्या इसके लिए किन चीजों की जरूरत होती है मानहानि तोलने के लिए? तो वगैरह वगैरह हम इस पे बात करेंगे। फैजान मुस्तफा साहब हैं, वीसी नलसर हैदराबाद से ही हमारे साथ हैं। गौतम भाटिया हैं, युवा वकील हैं और अपने ट्वीट के जरिए बहुत सारे कानूनी खबरों की जानकारी हम लोगों को देते रहते हैं। फैजान साहब, सरल सवाल से शुरू करते हैं, ये मानहानि क्या है और अगर आप जज होते तो कैसे तोल के बता देते कि मेरी मानहानि कितने की हुई या और साधारण आदमी की मानहानि कितने की हुई? रवीश, ये मानहानि कई सदियों पुराना एक लॉ है जिसमें व्यक्ति की रेपुटेशन जो है उसको उसकी प्रॉपर्टी माना गया और ये माना गया कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ लिखता है या बोलता है या कोई ऐसे जेस्चर्स करता है जिससे उस व्यक्ति का और लोगों की दृष्टि में कुछ कमी आ जाती है उसकी रेपुटेशन में या उसके स्टेटस में, तो फिर उसको उसके लिए कंपनसेट किया जाए। अच्छा। अब इसमें इंग्लैंड में दो तरीके की चीजें थी कि अगर आपने ओरल किया है तो उसको स्लेंडर कहते थे और अगर कहीं लिख दिया आपने परमानेंट डिफेमेशन कर दिया तो उसे लाइबल कहते थे। भारत ने ये डिस्टिंक्शन नहीं माना और हमारे यहां दोनों तरह के जो लाइबल और स्लेंडर हैं उन्हें डिफेमेशन कहा गया। अब इसका कोई पैमाना नहीं है लेकिन आम तौर से जो जजेस हैं वो ये देखते हैं कि आपका समाज में स्टेटस क्या है। अब आप देखिए कि जस्टिस पीबी सावंत ने टाइम्स नाउ के ऊपर एक केस किया जिसमें कोई स्कैम की न्यूज थी, उसमें उनका फोटो दिखा दिया और 100 करोड़ उन्होंने डिफेमेशन में जीते। और उसके बाद जब टाइम्स नाउ अपील में गए तो उनसे कहा गया कि पहले 20 करोड़ जमा करो, उसके बाद बात बनेगी आगे। तो ये डिफेमेशन का लॉ जो है पुराना है लेकिन अब हमारे देश में 1950 से जब संविधान आ गया और संविधान में अभिव्यक्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया तो काफी जो संविधानविद हैं उनका विचार है कि किसी की मानहानि हो ये एक प्राइवेट मैटर है, इसके लिए क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल करना सही नहीं है क्योंकि प्राइवेट मैटर को प्राइवेटली डिसाइड करें, सिविल लॉ में डिसाइड करें, वो कंपनसेशन ले लेगा, मुआवजा ले लेगा। लेकिन ये के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें सिर्फ उसी मैटर को देखा जाए जिससे पूरे समाज को हानि होती है, तो चंद व्यक्तियों की जी, आप जो रेपुटेशन है चंद व्यक्तियों की रेपुटेशन को पब्लिक लॉ को
प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए उसकी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बात आप क्यों कह रहे हैं ये भी बताइए। अभी आपने शुरू में कहा कि व्यक्ति को की जो रेपुटेशन है, उसकी प्रतिष्ठा को प्रॉपर्टी माना गया है ना, तो उसकी रजिस्ट्री भी होनी चाहिए। हाँ, कोई तो जज कैसे जानता है कि तो आपकी या हमारी, वो क्या सबूत दिया जाता है आपकी या हमारी क्या रेपुटेशन है, क्या कमाई रेपुटेशन है, वो किस तरह से उसका रेपुटेशन तय होता है? क्योंकि हो सकता है कि कोई अभिनेता हो, वो 100 करोड़ का ब्रांड एम्बेसडर बनता है, उसे नहीं मिल रहा, तो वहां तो हम नुकसान शायद माप सकते हैं। लेकिन एक साधारण आदमी है जिसको फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे उसको बदनाम कर दिया गया, उसकी मानहानि हम कैसे मापेंगे फिर? नहीं, वो सबसे पहले वो अपने आप खुद तय करता है। जैसे जेटली जी ने ये तय किया कि केजरीवाल साहब से वो 10 करोड़ का केस कर दिया उनके ऊपर, तो अब जो है वो अदालत ये देखेगी कि जेटली जी इतने बड़े लॉयर हैं, देश के वित्त मंत्री हैं, और इन्होंने जो इस तरीके का स्टेटमेंट दिया, अभी जेठमलानी जी ने उनको क्रूक कह दिया, तो उसके बाद 10 करोड़ का और कर दिया, तो हो सकता है उनको 10-12 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ का कुछ कोर्ट तय कर दे, क्योंकि जेठमलानी जी ये आर्गू कर रहे हैं कि इनकी कोई रेपुटेशन नहीं है। तो अच्छा, ये अदालत का एक सब्जेक्टिव जजमेंट होगा, ये ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स के आपका समाज में क्या स्थान है। पर सिद्धार्थ, तो रवीश, आप अगर डिफेमेशन का केस करेंगे तो आपको ज्यादा डैमेजेस मिलेंगे, और मैं करूंगा तो मुझे कम मिलेंगे। हाँ, बहुतों ने अफवाह फैलाई हुई है, उनका रिकॉर्ड मैं तैयार रखता हूँ। गौतम है हमारे साथ। गौतम, मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूँ, पर क्या ये एक पॉलिटिकल टूल ज्यादा बन गया है कि आजकल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? हो सकता है कि हम पिछले 10 सालों के बारे में ना जानते हों, लेकिन अभी जितना मैंने कलेक्ट किया है उससे लग रहा है कि ये एक हथियार सा बनता जा रहा है। और दूसरा कि ये क्या ये अदालतों में, मतलब एक समय की बर्बादी लगती है कि एक वकील कह रहा है कि वित्त मंत्री का कोई स्टेटस नहीं है, है ना, वित्त मंत्री या रक्षा मंत्री खुद खड़ा होकर कह रहे हैं कि मेरा इतना स्टेटस है, इससे हम हासिल क्या कर रहे हैं फिर? मुझे लगता है कि बिल्कुल आजकल ये एक औजार जैसा बन गया है नेताओं के पास, और वो इसलिए है क्योंकि मुकदमा दर्ज करना बहुत आसान है। मुकदमा लगा दिया मैंने और फिर न्यायालय ने नोटिस दे दिया दूसरी पार्टी को, और फिर आता रहे वो न्यायालय, तारीख पे तारीख लगेगी, हर तारीख में कुछ होगा या कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत एक आसान तरीका है जिससे आप तंग कर सकते हैं लोगों को, समय पर बात कर सकते हैं, और ये जो 10 करोड़ 20 करोड़ की फिर रकम मांगते हैं आपको भी लगता है कि तंग करने का ज्यादा औजार है? पत्रकारों को भी तंग करने का औजार है और नेताओं को भी, क्योंकि एक बार मुकदमा लग गया फिर तो आना पड़ता है, वकीलों को लगाना पड़ता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं, और दीवानी जो अपराध है वो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर फौजदारी या क्रिमिनल अपराध दर्ज कर दिया तो फिर जेल का खतरा है, बेल देना पड़ता है, हर बार हर तारीख पे मुकदमे में आने पड़ता है काफी लोगों को, तो उससे और भी तंग होते हैं लोग। तो मैंने आपकी बातों से, मैं सोच रहा था कि मैं लोगों को जागरूक करूंगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मानहानि करें, पर आपको लगता है कि इसमें खर्चे का एंगल वो ध्यान में रखें, वो है ना, ये बात है कि अंत में जो फैसला होता है केस का, वो चाहे अब अदालत फैसला करे कि मानहानि हुई या नहीं हुई, वो तो 10 साल बाद फैसला होगा या 5 साल बाद फैसला होगा, लेकिन तब तक जो जाना पड़ेगा न्यायालय बार बार, उसी में जो होता है। और ये भूल गए हैं कि जिन आरोपों को लेकर ये सारा कुछ हुआ था, उन आरोपों की जांच हुई या नहीं हुई, वो कहीं पीछे छूट जाती है और उसमें रहते हैं। पर फैजान साहब, आप बता सकते हैं कोई एक ऐसा लैंडमार्क केस हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान मना हो तो दुनिया का, जिससे थोड़ा हम और स्पष्ट हो सके इस तरह की मानहानि बाजी को? हम सुनते हैं, हम जानते नहीं है कि अमेरिका और इंग्लैंड में इस तरह से वकीलों का एक गिरोह काम करता है, वो टीवी देख रहा होता है और पता चलेगा, वो फोन करेगा कि फैजान साहब ने आपके बारे में एक टिप्पणी की है, कोई डिफेमेशन कर दूं आप, और हम दोनों इसमें पार्टनर बन जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या सर? कुछ आवाज में इसी सवाल का आप जवाब दे दीजिए, आवाज में दिक्कत हो गई। हाँ, ये तो अमेरिका और इंग्लैंड में, बल्कि आजकल न्यायालय और वहां के सांसद भी देख रहे हैं कि ये ज्यादा हो रहा है, उन्होंने भी कोशिश की है कि थोड़ा ये कम हो। अमेरिका में एक बहुत ही मशहूर केस था न्यूयॉर्क टाइम्स वर्सेस सलीवन करके, जहां पे उनके उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर आप किसी सरकारी नौकर या किसी एक आदमी जिसको पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में रहा है, अगर उसके प्रति अगर आपने कुछ कहा तो मानहानि तभी होगी
अगर वो सिद्ध कर पाए कि आपने आज झूठ बोला या बिना किसी परवाह के कि सच हो या नहीं वो बोला, तो वो सिद्ध करना तो बहुत मुश्किल है। और उस केस के बाद जो 1960 में हुआ, पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का केस कभी कोई जीता नहीं है अमेरिका में, कोई जीता नहीं, जीता नहीं है, क्योंकि इतना उन्होंने मुश्किल कर दिया है मानहानि का केस जीतना कि पत्रकारों के लिए बहुत ही आजादी हो गई है। क्या भारत में पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का केस जीतना आसान है? भारत में एक केस है राजगोपाल करके 1994 में, जब उच्च न्यायालय ने इसी सलीवन केस के बारे में चर्चा की और कहा कि हम भी आज से वही जो है स्टैंडर्ड है उसी को अपनाएंगे। जैसे दो चार बता दें ताकि पत्रकारों को कुछ अगर आपको ध्यान हो तो। हाँ। जैसे अगर मैंने आपके, अगर आप एक ऐसे आदमी हैं जो सरकारी हैं या आप सार्वजनिक जीवन पब्लिक लाइफ में हैं, मैंने आपके खिलाफ कुछ कहा, तो अगर आपने मेरे फिर खिलाफ मानहानि का केस किया, दीवानी केस, तो आपको न्यायालय में सिद्ध करना पड़ेगा कि ना केवल जो मैंने कहा वो गलत है बल्कि मैंने जानबूझ के गलत कहा या बिना किसी परवाह के कहा कि गलत हो या सही हो, तभी आप जीत पाएंगे। तो ये काफी अच्छा किया हमारे न्यायालय ने 1994 में, लेकिन ये पत्रकारों को मालूम नहीं है, काफी पत्रकारों को, और जो उच्च न्यायालय के जो हाई कोर्ट हैं, कभी कभी लोअर कोर्ट हैं, उनको भी उतना मालूम नहीं है। तो ये केस ये कहता है, तो थोड़ी दिक्कत है।